उधर एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी है, तो इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। कल शाम करीब 5 बजे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने स्मॉल आर्म्स और मोर्टार दागे। भारतीय सैनिकों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ आग लगाने वाली हरकतें करता है। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है, लेकिन चीन को पता नहीं है कि उसके खिलाफ ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि तिब्बतियों में भी इतना गुस्सा है कि वो किसी भी जंग में चीन को धूल चटाने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। एलएसी के बेहद करीब करीब जवान को सलामी देती गोलियों की ये आवाज और भारत माता की जय के ये नारे बॉर्डर के उस पार ड्रैगन के सीने में हलचल पैदा कर रही है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के दौरान भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नीमा तेंजिन शहीद हो गए थे। उनका पैर माइन पर पड़ गया था जिससे विस्फोट में उनकी जान चली गई। सोमवार को लेह में नीमा तेंजिन का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के साथ साथ बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग भी पहुंचे। लोग नीमा तेंजिन के पोस्टर लेकर आए थे। इस दौरान तिब्बती शरणार्थियों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए। ये देश के वीर को श्रद्धांजलि है, पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ इस समय अंतिम विदाई दी जा रही है नीमा तेंजिन, जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ ऑपरेशन ब्लैकटॉप में अपनी टीम को लीड किया। ये कंपनी लीडर थे और 29 और 30 तारीख को जब स्पांगूर गैप से चाइनीज पीएलए लगातार अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा था, उसी समय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इन जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए ब्लैकटॉप की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू किया और उसी बीच माइंस की चपेट में आके नीमा तेंजिन बुरी तरीके से जख्मी हुए। एसएफएफ कमांडो नीमा तेंजिन मूल रूप से तिब्बत के निवासी थे। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे और तिब्बत के झंडे से ढककर लेह से 6 किलोमीटर दूर चोगलामसार गांव लाया गया था। नीमा तेंजिन के अंतिम संस्कार में बीजेपी नेता राम माधव भी शामिल हुए। शहीद नीमा तेंजिन की जो शहादत हुई उस पर हमारी पूरी श्रद्धांजलि है। हमारे परिवार को भी हमारी संवेदना व्यक्त किए है। तेंजिन का शहादत सीमा में शांति लाएगी ऐसी आशा करते हैं, वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। नीमा तेंजिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक रेजिमेंट के कंपनी लीडर थे। 29 और 30 अगस्त की रात नीमा तेंजिन अपनी कंपनी के साथ ऑपरेशन ब्लैक टॉप की अगुवाई कर रहे थे। नीमा तेंजिन अपनी कंपनी के साथ रेंचेला और तारा टॉप से पेट्रोल करते हुए ब्लैक टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान उनका पैर एक माइन पर पड़ गया था। ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि घायल होने के बाद भी नीमा तेंजिन ने चीनी सैनिकों को ललकारा और ब्लैक टॉप हिल पर अपनी पोजीशन को संभाले रखा। बाद में इलाज के दौरान नीमा तेंजिन की मौत हो गई। नीमा तेंजिन के साथ तेंजिन लिंगदो भी घायल हुए थे। उनका मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चीन से लोहा लेने में तिब्बती मूल के जवान के शहीद होने पर तिब्बती समुदाय के लोगों में भी चीन के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिली। तिब्बती समुदाय के ये लोग भी भारत के लिए अपनी जान देने की बात कर रहे हैं। विकास फोर्स जो है, सर ये कमाल का फोर्स है, इन्होंने बांग्लादेश को आजाद किया था, ये भी एक फैक्ट है। और करगिल में भी ये 7 लोग शहीद हुए। तिब्बती जो है साइकोलॉजिकली इंडियन है, जिस तरह सारे मुसलमानों का मक्का मदीना अरब में है, तिब्बतियों का मक्का मदीना हिंदुस्तान में है, बोध गया में है। तो तिब्बती हिंदुस्तान के लिए सोचता नहीं है मरने के।